मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस महासचिव के मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 16 साल से भाजपा सरकार है, फिर ओबीसी वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? व्यापम मसले पर बड़े बड़े वकील खड़े किए गए थे, इस अहम मुद्दे पर क्यों नहीं? ये सवाल बीजेपी प्रदेश को सीएम से पूछना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर कोर्ट में पैरवी के लिए दिल्ली से दो बड़े वकील हायर किए थे, जिसको लेकर बीडी शर्मा का भी बयान सामने आया था। मेरी निगाह में बीडी शर्मा जी को मैं पढ़ा लिखा इंसान मानता हूँ। यदि वो दिल्ली से कमलनाथ जी पर निशाना साधने के पहले इस बात को सोच लेते कि क्या कारण है कि जो मुख्यमंत्री 16 साल से इस प्रदेश के बतौर मुखिया काबिज है, आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि ओबीसी को आरक्षण मिलना ही चाहिए ही पर इन्होंने दे दिया है। आप भी ओबीसी के मुख्यमंत्री, ओबीसी के नाम पर लाभ तो ले रहे हैं, 16 साल में आपने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? जवाबदार तो आप ही, जब दाता खुद कह रहा है कि इन्हें दान मिलना चाहिए तो देने वाले तो आपके हाथ ही, क्यों नहीं दिया? 57% आबादी के साथ छल किसने किया? कमलनाथ जी ने खुद किया या दिल्ली सिंह जी ने छल क्यों नहीं किया? और जब मोदी जैसे छोटे से कार्यकर्ता को सजा दिलवाने के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने सॉलिसिटर जनरल खड़े कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खर्च पर, तो बीडी शर्मा साहब तो पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से। आपने